दीपावली हो और ऐसा कोई घर नहीं है जिस पर कोई व्यक्ति दीपक ना जलाता हो। और अपन देखेंगे चाहे हम दीपक 16 जलाएं, चाहे हम 32 जलाएं, चाहे हम 64 जलाएं और चाहे हम 125 दीपक जलाएं, और जब भी दीपक जलाते हैं तो अपन देखेंगे कि दीपक में हम लगाते हैं रुई की बाती, और रुई की बाती जब लगाते हैं तो कोई व्यक्ति दो बातियों को चार तरफ लगा देता है तो उसकी चार लौ बन जाती हैं। वो चार लौ जो दीपक की हैं जो बनाते हैं, अगर आप ऐसा बनाते हो तो भी ठीक है ना, नहीं तो आपको सिर्फ एक ही एक बाती वाला बनाओ, एक बाती वाला बनाओ, और उस एक बाती के दीपक बनाने से आपको क्या करना है कि आपकी जो बाती है उस बाती का मुख, क्योंकि दीपक है अगर एक बाती उसमें तो आप उसको कहीं ना कहीं दिशा में तो रखोगे, और अपन देखेंगे कि चार दिशाएं, वैसे देखें 10 दिशाएं हैं, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम ईशान ना आग्नेय नैऋत्य और वायव ऊर्ध्व और अधो, ये 10 दिशाएं हैं, मगर दो दिशाएं ऐसी हैं जो हमारी तस्वीर और हमारी तकदीर को बदल देती हैं। अभी अपन देखें इन चीजों का हम ध्यान ही रखते हैं, दीपक जलाए काम खत्म, क्या देखना कि दिशा कौन सी है क्या नहीं है। पर इस बार दीपावली पर 2020 की ये दीपावली है, आप देख रहे हो पलटने के लिए ज्यादा तैयार बैठी है, गिराने के लिए ज्यादा तैयार बैठी है, इसमें हम चाहें तो वो चमत्कार भी ले सकते हैं कि ये 20 सभी के लिए बुरी भी नहीं है, किसी के लिए बहुत अच्छी भी है और आपको भी अच्छाइयों पर पहुंचा सकती है, ऊंचाइयों पर पहुंचा सकती है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि आप घर के किसी भी कोने में दीपक रखो, जलाने के बाद उन सबके दीपक की बाती उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए, उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए, क्योंकि उत्तर दिशा ही कुबेर का, कुबेर की दिशा है, कुबेर उत्तर दिशा में ही रहते हैं। तो आप जब दीपक की बाती जो है, और बाती भी लाल होना चाहिए, ये ध्यान रखना। अभी अपन सफेद लगा देते हैं पर, क्योंकि लक्ष्मी को लाल रंग पसंद है ना, और लाल रंग में आकर्षण होता है, इसलिए ना एक बाती लाल रंग की होना चाहिए, जो कलावा होता है कच्चा वाला, मोटा और कच्चा होता है, उसकी बाती बनाओ और उसका मुख उत्तर दिशा की ओर कर दीजिए, और फिर दीपक जलाइए पूरे घर के, फिर आप देखिए कैसे लक्ष्मी जी आप पर प्रसन्न होती हैं और फिर आप पर धन की वर्षा करती हैं, और फिर आप कहेंगे, आप क्या कहेंगे, आपका चेहरा कहेगा, प्रसन्नचित चेहरा, कि हमारी दीपावली तो हैप्पीनेस हो गई, हैप्पी हो गई। तो ध्यान रखें आप अपने घर में इस दीपावली पर जो भी दीपक जलाएंगे उनकी बत्ती जो है उसका मुख, क्योंकि वैसे उत्तर पूर्व दोनों अच्छी हैं, पर रात्रि को पूजा होती है, रात्रि को दीपक जलते हैं, तो रात्रि में उत्तर दिशा जागृत हो जाती है, कुबेर की दिशा, इसलिए पूर्व दिशा सो जाती है, पूर्व दिशा दिन में अच्छी है, दिन में पूजा करते या दिन में दीपक जलाते तो पूरब की तरफ, पर रात को जल रहे हैं इसलिए उत्तर दिशा की ओर आपका दीपक होना चाहिए, तो आपकी आपको रिद्धि सिद्धियां आपके घर की तरफ भागेंगी। पर खुश होकर के जलाना, खुश होकर के पूजा करना, खुश होकर के परिवार को मिठाई खिलाना, खुश होकर के मैं बताऊंगा कैसे पूजा करनी है, पूरी विधि बताऊंगा, प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। इस बार की पूजन आपकी तकदीर और तस्वीर बदलने वाली होगी। हैप्पी दीपावली, सुख की शुभकामनाएं।